प्रोफेशनल प्रीमियर टेनिस लीग की जिसकी सीजन 2 का शुभारंभ हो चुका है, इस कार्यक्रम में टीमों के मालिक भी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट आप देखिए। जयपुर के चौमू पैलेस में प्रोफेशनल प्रीमियर टेनिस लीग पीपीटीएल सीजन 2 का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन ने भारतीय टेनिस को अलग भव्यता प्रदान की है। इस कार्यक्रम में देश भर से टीम मालिक एकत्रित हुए। कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य अतिथि के तौर पर उद्घाटन समारोह में शिरकत की। उन्होंने खेल भावना को प्रोत्साहित करने की बात की। उनकी मोटिवेशनल स्पीच ने मौजूद लोगों के दिलों में उत्साह पैदा कर दिया, तो वहीं आगामी सीजन के लिए भी क्रेज को और बढ़ा दिया। तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में बधिर टेनिस खिलाड़ी पृथ्वी शेखर मौजूद रहे, जो शायद सुन नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस मंच पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें वर्ल्ड डेफ टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना भी शामिल है। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बारे में बात की, जिससे वे भारतीय खेलों में धैर्य और सफलता का प्रतीक बने। समारोह में अतुल अरोड़ा भी मौजूद रहे। तो वहीं खेल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर देवनाथ ने टेनिस में मानसिक शक्ति के महत्व पर गहन विचार साझा किए। इससे आधुनिक खेलों में खेल मनोविज्ञान को और ज्यादा मजबूती मिली। समारोह में SPSL कॉफी टेबल बुक वॉल्यूम 3 का भव्य अनावरण किया गया। साथ ही टीम की जर्सी, SPSL मर्चेंटाइज और प्रतिष्ठित लीग ट्रॉफी का भी प्रदर्शन हुआ, जिसने क्रेज को और ज्यादा बढ़ा दिया। इस दौरान 200 से अधिक खिलाड़ियों की नीलामी में जोरदार बोली लगाई गई। इसमें पृथ्वी शेखर सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में उभरे। PPTL का जो फर्स्ट सीजन था, जो जयपुर में आयोजित हुआ था, उसकी काफ़ी ग्रैंड सक्सेस के बाद में डिसाइड किया गया कि इसका नेक्स्ट जो सीजन 2 है वो देहरादून में आयोजित किया जाए। तो उसी क्रम में आज उसके जो प्लेयर्स की ऑक्शन का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, और सारी टीम ऑनर्स अपने हिसाब से जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, जो अवेलेबल हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे। पर काफ़ी नंबर ऑफ प्लेयर्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई, लगभग 200 के करीब प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और उसको देखते हुए काफ़ी अच्छे लेवल के प्लेयर्स, जो नेशनल लेवल के, इवन कुछ प्लेयर्स जो इंटरनेशनल लेवल पर भी, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, वो भी इस सीजन के अंदर अवेलेबल है। नीलामी में जम्मू से चेन्नई तक के 16 टीम मालिकों ने हिस्सा लिया और आगामी सीजन के लिए गहरी रुचि और उत्साह प्रकट किया। समारोह में टीम ग्रुपों का भी ड्रॉ आयोजित किया गया। इसमें टीमों को 4 ग्रुप्स में बांटा गया। तो वहीं फर्स्ट इंडिया न्यूज, KMT, किंगफिशर, अमलतास, टेनिस खेलो, गैलियम, टेक डायर्स, अनकेज्ड और रैंगलर इसके स्पॉन्सर रहे। आयोजनकर्ता इंजीनियर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि लीग कार्यक्रम को बेहतरीन और भव्य बताया। आगामी 5 से 8 दिसंबर 2024 को देहरादून में होने वाले मैचेस के लिए भी लोगों में क्रेज है। इसका जो मुख्य टूर्नामेंट है वो देहरादून में 5 से 8 दिसंबर 2024 को टॉन्स ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत वर्ष के टॉप 220 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 16 टीमों की टीम जर्सी और ट्रॉफी का भी अनावरण किया गया। अलग लीग है जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल प्लेयर खेलते हैं, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, PhD होल्डर, लॉयर्स, एडवोकेट्स, MCA, इनको ही खेलने के लिए इस टूर्नामेंट में अलाउड है। इस तरह की लीग भारत में और कहीं नहीं होती है, और ये इसका सीजन 2 है। समारोह का समापन उम्मीदों और आगामी सीजन की बड़ी अपेक्षाओं के साथ हुआ, क्योंकि PPTL भारतीय टेनिस के प्रमुख आयोजन के रूप में अपनी पहचान और ज्यादा मजबूत कर रहा है। आज जयपुर के प्रतिष्ठित चौमू पैलेस में प्रोफेशनल प्रीमियर टेनिस लीग सीजन 2 का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में देशभर से टीम मालिक पहुंची। कार्यक्रम की शुरुआत फर्स्ट इंडिया न्यूज के CEO तथा मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा के वीडियो संदेश के माध्यम से हुई, जिसमें उन्होंने खेल की भावना को आगे प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलने की वजह से सद्भावना का विकास होता है और साथ ही समाज में एक स्वच्छ और स्वस्थ उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम के दौरान SPSL कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च की गई और साथ ही साथ वॉल्यूम 3 का अनावरण भी हुआ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में टीम की जर्सी, दूसरे मर्चेंटाइज और प्रतिष्ठित ट्रॉफी का भी प्रदर्शन हुआ।